Noise Air Buds Pro finally guys अपने पास आ चुके हैं। परसों मैंने इनको Amazon से ऑर्डर किया था एंड कल ये मुझे डिलीवर हो गए थे, तो काफ़ी फास्ट डिलीवरी रही Amazon की एंड 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है मुझे इनको यूज़ करते हुए एंड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया मुझे इन ईयरबड्स ने। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बेकार भी लगी मुझे इन ईयरबड्स के अंदर, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी अनबॉक्सिंग वीडियो तो जो है वो आप देख ही चुके हो इन ईयरबड्स की, बट सबसे पहले अगर मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की बात करूँ ना, तो उसने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया। लाइक कहीं से भी चीप क्वालिटी जो है वो फील नहीं होती। 2500 रुपए के अंदर जो है वो मैंने इन ईयरबड्स को ऑर्डर किया है, बट धीरे धीरे इसका रेट बढ़ने वाला है। नॉइस का कहना है कि आगे जाके इसका रेट जो है वो 3500 के करीब हो जाएगा, बट 3500 में भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। बट अगर आपको अभी ये जो ईयरबड्स हैं अगर मिल जाएँ कम प्राइस के अंदर, तो आप इनको बाय कर लो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से ये। बाकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो इनका प्राइस। ओके, तो बात कर रहे थे यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में। तो जो इसका केस है ना, वो कहीं से भी चीप प्लास्टिक वाला फील नहीं होता। बैक साइड पे हिंज भी जो है वो भी आपको एल्युमिनियम का देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से काफी स्टर्डी लगते हैं। ऐसे खोलने में अगर आप इनको बार बार खोलते बंद करते हो, तो कहीं से भी चीप क्वालिटी का फीलिंग जो है वो नहीं आने वाली। बैक साइड पे जो है वो आपको एक रीसेट की भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आपको रीसेट करना है यहाँ से कर सकते हो। फ्रंट साइड पे आपको जो है वो एक एलईडी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा, जो चार्जिंग वगैरह बेसिकली इसकी शो करेगा। एंड अगर मैं ईयरबड्स की क्वालिटी की भी बात करूँ, तो वो भी भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। छोटा सा स्टेम इनका जो है वो देखने को मिल जाता है, एप्पल एयरपॉड्स की तरह का यहाँ के कुछ डिज़ाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं इनकी फिटमेंट की भी बात करूँ ना, तो कान के अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिट हो जाते हैं और बिल्कुल भी गिरते नहीं है, चाहे आप अपने हेड को जितना मर्जी शेक कर लो। एंड कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी आपको देखने को मिल जाती है, तो अगर आपको फिटमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके अंदर जो है वो आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केस देखने को मिलता है एंड आपको ईयरबड्स को अगर आप हिलाओगे भी उल्टा करके, तो गिरते नहीं है, तो क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया रखी गई है यहाँ पे। इसके बिना अगर मैं इसके कुछ और फीचर्स की बात करूं, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो आपको क्वाड माइक देखने को मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी मोड देखने को मिलता है, 20 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है, हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है एंड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी जो है वो भी आपको इस ईयरबड्स के अंदर देखने को मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.2 IPX4 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है एंड इसकी जो अंदर बैटरी है चार्जिंग केस की, वो आपको 400 mAh की चार्जिंग केस के अंदर जो है वो बैटरी देखने को मिलती है। बाकी अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनकी कनेक्टिविटी की, तो जैसे ही आप लिड को ओपन करते हो, तो ये जो है वो पेयरिंग मोड में चला जाता है और जल्दी से कनेक्ट हो भी जाता है। 1-2 सेकंड लगता है इसको कनेक्ट होने में एंड जैसे ही आप इसके लिड ऑफ करते हो, तो 1 सेकंड के अंदर ही जो है वो डिसकनेक्ट भी हो जाता है। बाकी अब अगर मैं बात करूं इनकी म्यूजिक की क्वालिटी की, तो इनके अंदर मैंने काफी देर म्यूजिक सुना एंड मुझे भाई काफी ज्यादा सही लगे है। अगर 100% वॉल्यूम पे भी अगर आप म्यूजिक सुनते हो, तो कहीं पे भी डिस्टॉर्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता, यानी कि कान में जो दर्द होना शुरू हो जाता है ना, वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा एंड लॉन्ग टाइम तक जो है वो आप इनको पहन के रख सकते हो, कानों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होने वाला। बाकी म्यूजिक के अंदर अगर मैं बात करूं, तो वोकल्स वगैरह बिल्कुल क्लियर देखने को मिल जाते हैं, ट्रेबल ऑन पॉइंट है। बस बेस की जो है वो मुझे हल्की सी कमी लगी, बेस अगर थोड़ा और होता तो काफी ज्यादा बेहतर लगता। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यानी ANC की, तो वो भाई मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। 3 मोड देखने को मिलते हैं, ट्रांसपेरेंसी मोड एंड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड, तो उसमें खास ज्यादा डिफरेंस जो है वो आपको फील नहीं होने वाला। 2500 के अंदर वैसे ज्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, काफी ज्यादा म्यूजिक की क्वालिटी जो है वो ठीक देखने को मिल जाती है आपको। बाकी मैं सुना भी देता हूँ आप लोगों को। एंड इसके अंदर जो है वो मैंने गेमिंग करके भी देखी, तो लेटेंसी जो है वो ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। अब ना बहुत ज़्यादा कम कहूँगा ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा कहूँगा, एवरेज सी लेटेंसी जो है वो आपको इन ईयरबड्स के साथ देखने को मिलेगी। बाकी इनके अंदर जो है वो आपको कुछ टच कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर उनकी बात करूँ, तो राइट वाले के ऊपर एक बार टैप करने पे वॉल्यूम प्लस एंड लेफ्ट वाले के ऊपर टैप करने के बाद आपको वॉल्यूम माइनस देखने को मिलेगा। अगर आप राइट वाले को लॉन्ग प्रेस करके देखोगे, तो ट्रैक जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा एंड अगर प्रीवियस करना है, तो लेफ्ट वाले भी आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। एंड अगर आप लेफ्ट वाले के ऊपर 3 बार टैप करते हो, तो यहाँ पे आपका कोई भी जो गूगल असिस्टेंट वगैरह है या फिर सीरी वगैरह है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड अगर राइट वाले ईयरबड के ऊपर आप 3 बार टैप करोगे, तो यहाँ पे आपको ये जो मोड्स है उनमें चेंज हो जाएगा, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मोड में, ट्रांसपेरेंसी मोड में एंड नॉर्मल मोड में ये जो है वो
स्विच कर जाता है। बाकी इसके अंदर क्वाड माइक्स देखने को मिलते हैं, तो मैं बैकग्राउंड के अंदर जो है वो ट्रैफिक साउंड प्ले करता हूँ एंड उसके बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि किस तरह की कॉल क्वालिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी इन ईयरबड के साथ। So guys, इस साइड जो है वो मैंने यहाँ पर फुल वॉल्यूम पे ट्रैफिक साउंड को ऑन कर रखा है एंड अभी आप सुन सकते हैं किस तरह की आउटपुट जो है वो दूसरे बंदे को मिलने वाली है। बाकी अब अगर बात करूं मैं इनकी बैटरी बैकअप की, तो अगर आप इनको चार्जिंग केस से 100% चार्ज करके यूज करना स्टार्ट करोगे तो 2-2.5 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको आराम से दे देंगे अगर आप रेगुलर म्यूजिक प्ले करोगे एंड उसके बाद आप इसको चार्ज कर सकते हो एंड चार्जिंग केस के साथ आप 2 दिन जो है वो फुली चार्ज कर लोगे तो आराम से बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2500 रुपए के अंदर तो जो ये ईयरबड्स हैं वो मुझे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगे और बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी चीज लगी मुझे, बट 3500 रुपए के अंदर थोड़ा सा इनका प्राइस जो है वो शायद थोड़ा ज्यादा हाई हो जाए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर बताना और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हो। बाकी दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।